हेलो एवरीवन, हमने लिया है एलजी का फ्रिज और इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसका रिव्यू करूँगी। देखिए, चक्कू ले लो भैया, चाप इससे नहीं होगा। हेलो एवरीवन, हमने लिया है एलजी का फ्रिज और इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसका रिव्यू करूँगी। देखिए, ये है एलजी का इन्वर्टर लीनर कंप्रेसर फ्रिज। 10 ईयर की गारंटी है इसकी, 10 ईयर वारंटी के साथ आता है, 3 स्टार है, इसमें 2 स्टार भी आता है। और ये है विदाउट स्टेबलाइजर, ये वर्क करता है। और इसमें यहाँ पर एक पैनल दिया गया है, ये वाला पैनल है। इसको फ्रीज़र को हम फ्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से प्रेस करेंगे ना, यहाँ से 2 मिनट प्रेस करेंगे तो ये टेम्परेचर 4 हो जाएगा, जो यहाँ पर है उतना ही हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर अगर इसको 2 मिनट और प्रेस करेंगे तो ये वापस फ्रीज़र बन जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। इसमें लॉक सिस्टम दिया हुआ है, जैसे अभी तो ये ओपन है, अगर हम इसको प्रेस करते हैं 2 मिनट के लिए तो ये बंद हो गया। अब इसको 2 मिनट फिर प्रेस करेंगे तो ये खुल गया। अब ये पैनल वर्क करने लग जाएगा, जब बंद होगा तो पैनल वर्क नहीं करेगा। ये बच्चों का लॉक सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पर, अगर हम इसको लॉक कर देते हैं तो ये दोनों चीज़ लॉक हो जाएंगी। अब इसका हम अंदर से देखते हैं, अंदर ये काफ़ी स्पेसफुल है। देखिए, काफ़ी स्पेसफुल है ये। इसमें डोर कूलिंग का सिस्टम दिया हुआ है, इधर अलग से डोर कूलिंग का सिस्टम है, और ये हाइजीन के लिए भी दिया हुआ है यहाँ, और ये एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए है। ये इसमें दूध दही वगैरह रख सकते हैं हम। अब ये फ्रीज़र है ऊपर, ये भी काफ़ी स्पेसफुल है, काफ़ी अच्छा है ये, हमें काफ़ी अच्छा लगा ये फ्रिज। और ये देखिए, यहाँ पर ऐसे मतलब निकालेंगे तो ये बर्फ आ जाएगी नीचे वाले बॉक्स में। कूलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बड़ा फ्रिज ये दिखने में लग रहा है।